अगर तेरे हाथ में मेरी बेटी ना ना होती, मार इसको। हाँ देख रहे हैं, क्या करेगा? पलका सेट कर, थाई मसाज करवाते हैं, जाके थकावट उतर जाएगी। केड़ी थाई मसाज? कौन सी होती है? कौन सी? ओ बॉडी मसाज है। केड़ी? तो इसको पहले मसले बन गए हैं यार, मसाज का नाम सुनते ही आ गई है। बंदे भी करते हैं। चलो मुझे भी ले जाना ना, मुझे भी ले जाना ना, औरतें कर लेंगे मेरा, तुम लोगों का मर्द कर देंगे। चलो तू जाके होटल ही पे अरे लड़ ला पे क्या? मैं एनिमल लेडी बॉय को कराना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में भाई वेलकम करता है आज फुकेट शहर से। और ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक कर लो, ताकि हर आने वाला नया ब्लॉग आपको जाकर नोटिफिकेशन देता रहे। और अब आपके भाई का गला मजीद बेहतर होता जा रहा है, जो कि पिछले 4-5 दिनों से खराब चल रहा था। अब जरा आवाज भी पुराने वाली वापस आ रही है ना। आज मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ही उठ गया था, और उठने के बाद मैंने अपने होटल के 3-4 जो काम थे वो खत्म किए हैं, जिनमें के एक काम पूल का भी था। भाई पूल में ना ये हो रहा था कि पानी आउट तो हो रहा था, लेकिन जो नया पानी है वो इन नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसकी मोटर शोटर का कोई मसला मसाइल था, वो भी क्लियर करवाया थोड़ी देर पहले ही। तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले मैकेनिक भाई गए, तो भाई ने सोचा आप काम कर से आपका भाई हो चुका है फ्री, तो ब्लॉग को शुरू कर लेता हूँ। ओए तुम लोग क्या इधर अपना यार किराना स्टोर खोल के बैठ गए हो, इसको रैप अप करो और अंदर रखो। जब हम बहन भी आपस में बात कर रहे हो ना, अपना ये बूथो लेके हमारे पास नहीं आना। अगर तेरे हाथ में मेरी बेटी ना ना होती, मार इसको। हाँ देख रहे हैं, क्या करेगा? पलका सेट कर। चलो यार इसको रैप अप करो, नाश्ता नुश्ता तुम लोगों ने यहाँ बनाना बनाना नहीं है, चलो बाहर करके आते हैं। क्या अंदर क्या नहीं, कबल बनाई आलू वाले परौंठे? अब वो नहीं बना रही, साला खाली आलू रह गया, परौंठा ही नजर आ रहा है कितने में। पागल आलू बॉईल करके रख लो ना, कल बना दूंगी। तू मुंह से बाड़ दे। चला यार शेख मेरे साथ चल, नाश्ता लेकर आते हैं इधर ही। कोई एजल भी साथ जाएगी? नाश्ता जी अपना बनकर पैक शैक भी हो चुका है, अब इसको लेकर चलते हैं होटल। चाय पीऊंगा ना, अपने हाथों से बना कर लाया। अरे क्या बात है भाई, हाथों से बनाते हैं? हाथों से ही ना, नहीं हाथों से नहीं, बर्तनों से बनाते हैं। क्या यार गंदी बातें कर रहे हो कमल, टीगर चेक कर दो कि भाई मेरे ने किस तरह की चाय बनाई है, वो खुशबू से तो अच्छी लग रही है। चाय ठीक है भाई, बस ठीक है, इतनी खास नहीं है। इधर पति दूसरी है ना? हाँ वाली है, तो उसमें इसी तरह की बनती है। अच्छा वो कौन सी, तवीदों वाली पत्ती है? हाँ तवीदों वाली पत्ती, टी बैग वाली? हाँ ग्रीन टी है, पॉइंट 2 दिन ना पानी। तू मुझे बताता, मैं पाकिस्तान से ले आया था पत्ती। क्या मन ले आगे आ रहे 2 किलो? अच्छा ये हमारे अलावा या इंडियन के अलावा या फिर एक दो और मुल्क है उनके अलावा कोई भी ये वाली चाय नहीं पीता। वो ना भाई डाटो से बात कर रहा है आपके साथ, बात पे अपनी वीडियो ज्यादा बड़ी निकाल कर देख रही है, आपको नहीं देख रही। ये क्या चीज है? चलो फिर से अपनी फुटेज बड़ी कर लेगी, ये लो टच करके ना, अपनी फुटेज बड़ी करके ना उसको देखेगी ऐसे। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय। अरे ये क्या हो रहा है, नाइये होने लगी है। मेरा भी पूल को देखकर अब दिल तो कर रहा है कि नहा लूं, क्योंकि गर्मी जितनी ज्यादा है ना, इसमें दिन में 4 दफा भी नहा लेना तो कम है। पूल में जाने से पहले मुझे भी ऐसे ही शावर के नीचे नहाना पड़ेगा और फिर अंदर जाके। चलो जी अब लगाते हैं छलांग। ये राजा इमरान राजा छलांग लगा। आ तेरा ही का मुकाबला करते हैं, तेरा शेख का और मेरा। आजा इमरान अपनी बॉडी छुपा रहा है, पेट के ऊपर हाथ रख रहा है, बॉडी के पुराने रखे ना भी पैर यार। ओह वाओ वाओ।
चलो जी बहुत हो गई है नया नया, अब रेडी शेडी होते हैं और निकलते हैं। कमल तुम भी जाकर रेडी शेडी हो जाओ, और तुमसे मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अच्छे से रेडी होना, लेकिन आज रोज वाले से भी बहुत ज्यादा गुना अच्छा रेडी होना। कौन से कलर के कपड़े पहन, कलर जो मर्जी पहन लो, लेकिन बस मुझे तुम अच्छी से अच्छी रेडी चाहिए। पिंक कलर है मेरे पास। ओ नहीं यार, जो तुम्हारा दिल करता है वो पहन लेना। मैं हो चुका हूँ जी रेडी, और कमल को भी टाइम लग जाएगा तकरीबन 5 से 10 मिनट मजीद। आज ना कमल के लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है, उसको नहीं बताना, चुप चुप पीते, जल्दी जल्दी से तुम लोगों ने अगर साथ चलना है तो रेडी हो जाओ। अब तुम एक एहसान मेरे पर कर दो, जाकर जल्दी जल्दी से गाड़ी ले आओ, ताकि हम लोग फिर बैठें और निकलें। मैं कैसी लग रही हूं आज? तुम तो बहुत तैयारी लग रही है यार। हाँ बहुत अच्छे कपड़े पहने। कोई स्पेशल इवेंट के लिए? अच्छा कौन सा स्पेशल इवेंट? वैसे ही मतलब चलो खैर है। यस आई एम बदतमीज, लेके दे कमीज, लोए दा पजामा, बस आगे रहने दो। इज़ल को देखना अच्छी लग रही है, दिखाओ जरा इज़ल। वाह इज़ल तो बहुत प्यारी लग रही है भाई। बेटा जी उतनी शरारतें करो जितनी के माँ बाप आपके कज भी सके। ये तोड़ दी, ओए पांव रख रही है, पांव रखने लगी है अब नेल पॉलिश के ऊपर। कमल इसको साफ कर दो यार, या उठा दो। पसंदीदा कलर, हाँ तुम्हारा सबसे पसंदीदा कलर। ये तोड़ कर दरम बरम कर दिया। आ जाओ जी, आ जाओ जनाब, दरवाजा आज आपके हबी आपके लिए खोलेंगे जनाब। हबी जी इसको पकड़ भी लेना तो एंजॉय हो जाए। इसको अगर पकड़ लिया तो गाड़ी कौन चलाएगा? नहीं नहीं तुम नहीं चलाओ, मैं खुद ही चलाता हूँ। हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास लाइसेंस है। चले जी। ओ ओ भाई साहब, नहीं मामा, यू आल्सो जुलसा? नहीं सिक्या मने ही मामा। अच्छा मेरे को नहीं समझ आई। चलो बैठो यार निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किधर जुलसा? तुम्हें अभी बता दूं कहाँ जाने लगे हैं? नहीं यार तुम्हें अभी बताना नहीं है, पहुँच के बताएंगे तुम्हें। तो ये पूरा खानदान जाएगा जिधर पहुँचने। इनको भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। पता है भाई तुझे? ओ बे चुप कर जा यार, इसको नहीं नहीं थाई के 2-3 लफ्ज आ गए, अब सुबह से लेकर अब तक यही बोल रहे हैं। नहीं पता थिन थिन का मतलब की है। क्या मतलब है? गलत मतलब है। किसी पठान को जाके कहेगा ना थिन थिन वानू थिन थिना थिन कर देगा। जीव घटिया यार, एसी नहीं चल रहा। तो एसी चल रहा है, ये देखो ना ये फैन तेज करो और यहाँ से एसी को ऑन करो। अब चला है एसी। एजल को किधर लेके? एजल को मैंने अंदर लिटा दिया है उसके चाचू इब्रार के पास। इब्रार उसके पास बैठ चुका है, ठीक है। अब तुमने एजल की टेंशन नहीं लेनी और गाड़ी की टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि अपनी गाड़ी ना यहाँ आकर भाई मैंने बंद किया और दोबारा से स्टार्ट करने लगा था। ये बड़ा प्यारा है यार। ये इसकी बात कर रहे हो? क्या 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 तुम्हें पता है? किसके लिए थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लोकेशन एंड ब्यूटीफुल सरप्राइज। आई नो यू, आई एम सो हैप्पी। आई एम हैप्पी। हां बिला वजह सोच रही है, एक्स्ट्रा ही कुछ सोच रही है। ऐसा तो कोई मैंने सरप्राइज नहीं दिया। हां मैं बता रहा था कि भाई मनी ना हैं जगह मालिक देगी फिर किथे बमे। ओ तू क्यों बोल रहा है भाई? बना तो अच्छा आ रहा हूँ मैं, गाड़ी की टेंशन ले रहा था। छोड़ो उन गाड़ी की टेंशन बाद में लेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी इधर आकर बंद हो गई है यार। थैंक यू सो मच। ओके कोई थैंक यू थूकी हो नहीं, वैसे ही तुम्हें लेकर जा रहा हूँ नीचे लोकेशन दिखाने के लिए। आराम आराम से, आराम आराम से उतरो, आराम आराम से। तुम मुझे ऐसे नहीं लेके आया, तुम मुझे ऐसे नहीं लेकर आया, ऐसे नहीं लेकर आया, तुम्हें गाड़ी पर लेकर आया। तुम कभी भी इतने पैसे नहीं लगाते, मुझे पता है तुम्हारा। अच्छा ये 14 फरवरी का दिन है, इसको पहले पता चल गया। चल अब चुप कर यार, सारे सरप्राइजेस अभी रिवील कर रही है। Where is my gift? Where is my gift? गिफ्ट तुम्हें यहाँ पर नहीं, गिफ्ट तुम्हें बाद में दूंगा, क्योंकि मैं गिफ्ट खरीदने में अच्छा नहीं हूँ। तो बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलना, तभी तुम्हें लेकर दे दूंगा। आजो 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 आजो। सो 100,000 बहुत बहुत खूबसूरत है। ये है जी आज का प्यारा सा सरप्राइज तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है ना, पीछे देखो बीच का मंजर कितना प्यारा है, और ये पत्थर पड़े हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। से मुझे यकीन नहीं है कि तुम ये सरप्राइज दे सकते हो। तेरे को यकीन नहीं है यार? या, पीछे होना। चलो आओ पहले बैठते हैं। नहीं नहीं एक मिनट जरा पीछे। चलो पहले तुमने स्विंग के मजे लेने हैं। पिक्चर लाओ, पिक्चर बनाता हूँ तुम्हारी। गिनने लगी थी अभी मैं एक्साइटमेंट में। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। व्हाट अ व्यू, एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलो पिक्चर बनाता हूँ तुम्हारी। चलो जी अब रिमूव करो अपने शू, मैं भी अपने शू रिमूव करता हूँ और वहाँ जाकर बैठते हैं। खा
खूबसूरत से व्यू पर बैठकर तुम्हें एक और सच बता दूं? बताओ। हैं? हाँ। तैयार हो इस सच के लिए? क्या है बताओ। सच ये है कि आज इस प्यारे से पॉइंट की रिजर्वेशन प्लस हमारा डिनर मैंने नहीं बल्कि पबजी मोबाइल ने हमारे लिए अरेंज किया। सटा पंजा। पहले कहा था कि तुम इतना अच्छा सरप्राइज दे ही नहीं सकते। चलो पबजी सही, कम से कम उन्हें हमारी फीलिंग्स का पता तो चले। हाँ जी, पबजी मोबाइल ने लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी रिजर्वेशन की है, बहुत अच्छा डिनर अरेंज किया है। इतना तुमने कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। और मैंने तुम्हारे लिए इससे तो नहीं लेकिन अच्छे अच्छे सरप्राइजेस जरूर अरेंज किए हैं। जैसे तुम्हारी बर्थडे पर मैंने वो सरप्राइज दिया था ना तुम्हें, सरप्राइज बहुत अच्छा था। लेकिन ये देखो परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट डे है और एक खूबसूरत व्यू है। हाँ जी, और मौसम कितना जबरदस्त है ना यार, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाय हाय हाय। और सबसे अच्छी बात, एजल भी सो रही है, ये सबसे ज्यादा मजेदार है माँ और बाप के लिए। क्योंकि अगर एजल होती ना तो उसने हमारा आज का ये पुरसुकून किस्म का सारा सरप्राइज सत्यानाश करके रख देना था। अब फिर सुकून से बैठते हैं और जहाँ खूबसूरत से इस नजारे का मजा उठाते हैं। यार जुलकर सच बताऊं, पबजी ने ना कमाल कर दिया है। और जब तक हमारा डिनर आता है ना तब तक हम पबजी मोबाइल में जाकर चिकन डिनर या फिर ये जो न्यू इवेंट आया है ना उसे ट्राई करते हैं। हाँ जी, बात बताऊं, पबजी सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सबका ख्याल रखता है। अच्छा तो गाइस हम लोग तो जा रहे हैं लायन फ्रेंडशिप कोलैब और हार्टफेल्ट बॉन्ड इवेंट, तो आप भी अभी जाएं और ट्राई करें ये मजे मजे के इवेंट। हार्टफेल्ट बॉन्ड में टू सीटर फ्रेंडशिप बाइक वापस आ गया है और वो भी नए डिजाइन और फीचर्स के साथ, और ये आपको हार्टफेल्ट बॉन्ड लैंडमार्क्स तक भी गाइड करता है। और हार्टफेल्ट बॉन्ड लैंडमार्क्स जिसमें मिलता है हार्ट फोटो फ्रेम, फायर अलार्म, ऑब्जर्वेशन डेक एंड अ विशिंग पॉन्ड, और आखिर में बॉन्ड डिक्लेरेशन जो आपको मिलता है हार्ट फोटो फ्रेम में जाने के बाद और आपके गेम में नाम के साथ भी शो होता है। प्लेयर्स यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं और मेमोरीज बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। गाड़ी के साथ पंगेबाजी ये हुई है कि गाड़ी के रेडिएटर की जो पानी वाली बोतल है ना वो दरअसल लीक होती थी, इस वजह से गाड़ी के रेडिएटर में बिल्कुल भी पानी नहीं था। और गाड़ी जब हम लोग ऊपर पहाड़ी पर लेकर आए हैं ना तो ये हीटअप हो गई और इसलिए अब ये स्टार्ट नहीं हो रही ना जी। हो चुका है डिनर शिनर भी और हमारी प्यारी सी बेटी एजल भी उठ चुकी है। गाड़ी के हाल भी चेक करो और मेरे हाल चेक करके मुझे कुछ गिफ्ट भी दो। ठीक है जी। बेटा तुझे क्या सुकून मिलता है जमीन पर ऐसे लेटने से। चल उठ 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 मेरा बच्चा, चल चल शाबाश, ये गुड गर्ल। आजा आजा आजा, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल वापस। अब बताओ आगे कहाँ जाने का प्लान है? ओल्ड टाउन। फुकेट ओल्ड टाउन? यस। चलो ठीक है फिर निकलते हैं फुकेट ओल्ड टाउन की तरफ, लेकिन बाइक्स पर चलते हैं यार। हाँ चलो, है ना बाइक्स पर चलते हैं। जितना वो है ना रश्मि, हाँ वो गाड़ी में तो स्टक हो जाएंगे। हाँ बाइक ही बेहतर है। Bye. चलो जी भाई निकलते हैं। बाल खराब हो जाए तो पहनना तो पड़ेगा ना, फिर भी सीधा पहनो, उल्टा पहन रही हो ऐसे। वो सीधा है। नहीं नहीं यही सीधा है। नहीं ये सीधा नहीं है। अच्छा क्या चलो फिर शायद वही सीधा होगा। एक तो हेलमेटों का पता ही नहीं चलता यार। कोई मसला नहीं, हमने भी अपने खराब कर लिए हैं। अपन लोग जी पहुंच चुके हैं ओल्ड टाउन फुकेट और तकरीबन आधा टाउन बंद हो चुका है और आधा टाउन अभी तक शायद खुला हुआ है। अब जो आधा टाउन खुला हुआ है उसी में ही घूम फिर कर एंजॉय कर लेते हैं जनाब। यस भाई, यार दिस वन मैंने अपने लिए ये वाटरमेलन की बोतल शोटल भरी हुई ले लिया क्योंकि भूख लग रही है अभी काफी ज्यादा, तो बेहतर है कि इससे हल्का फुल्का सा अपना गुजारा हो जाएगा क्योंकि मुझे मिली है 50 बात की। अब साथ साथ इसको खाता जाऊंगा और साथ साथ ओल्ड टाउन घूमता जाऊंगा। ओ भाइयो तुम में से खाएगा कोई? वो देखो जरा क्या है ये देख। तो तू क्यों इसकी पपियां ले रहा था? पपियां ले रहा था ना इसीलिए वो तंग आकर तुझे नाखून मारती है। खाओगे? सॉरी भी करवाई है। चोरी किया है ये? कैसे किया चोरी? चोरी करो चोरी ना, वो कह रही है मैं ये खाऊंगी, ये देखो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठंडा होगा, थोड़ा बहुत ठंडा ही था यार, बर्फ में था ये।
अच्छा है लेकिन ठंडा नहीं है। क्या करने लगे हो? मेरे पास है पैसे, तुम अपना कार्ड चेक करने लगी हो। तो मुझे पैसे नहीं देते ना इस वजह से। यार कितना झूठ बोलती है ये बंदी। नहीं चला, मुबारक हो। चलो अब फिर मेरे पर ही रिलाय करो। बड़ी शौकी बन के आई थी यहाँ अपना एटीएम कार्ड चलाने। ओए इधर आओ, जाते जाते यहाँ एक अच्छी चीज देख ले। ये सारा आर्ट शार्ट ना ये भाई लोग यहाँ पर इन स्प्रे के साथ पेंट कर रहे हैं। जबरदस्त आर्ट है यार, क्या बात है। इस भाई साहब ने ये पूरे शटर पर ना ये वाला आर्ट बनाया है सिर्फ और सिर्फ इन स्प्रेज की मदद से। और यहाँ ये दूसरे भाई भी ये आर्ट बना रहे हैं अलग अलग कलर वाले स्प्रेज को लगाकर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त आर्ट बना रहे हैं यार। दादी हो गई पिक्चरा, हो गई है त्याज हो यार। चलो जी जनाब आपकी भी पिक्चर बनाऊ। पोर्ट्रेट नहीं सिंपल बना रहा हूँ, आज के दिन में दूसरी या तीसरी दफा इसकी पिक्चर बना रहा हूँ मैं। ये चेक करो अच्छी आई है ना, अच्छी आई है ड्रामे बाज। चलो अब निकले। किथे आ गए चोरी, बंद जगह ते लैन देना, फिर नु वेखन नु कुछ लबा, लता में दर्द कर रही ने। ओए ओए मसाज करान चल, ओ थाई मसाज करवाते हैं जाके, थकावट उतर जाएगी। केड़ी थाई मसाज? कौन सी होती है? कौन सी? ओ बॉडी मसाज है। इसको पहले मसले बन गए हैं यार, मसाज का नाम सुनते ही आ गई है। मेरी बात सुनो, वो बंदे भी करते हैं ना, बंदे भी करते हैं। चलो मुझे भी ले जाना ना, मुझे भी ले जाना ना, औरतें कर लेंगे मेरा, तुम लोगों का मर्द कर देंगे। चलो। और नहीं नहीं रहने दो, तू लड़ पे तू जाके होटल ही पे ही लड़न लग पे। क्या मैं नहीं, मैं लेडी बॉय को कराना। मैं बताऊं फिर तेरा? हां बता। नहीं अब कैमरा पीछे कर। ओ कैमरा पीछे कर लो यार, वो होते हैं ना बंदे होते हैं ना। हाँ, फिर आज करवा लेंगे। औरतें भी होती हैं ना? नहीं औरतें मर गई हैं। अच्छा यार नहीं करवाते, आ जाओ आ जाओ, एक दूसरे को ही होटल में जाकर ना दबा लेते हैं। अभी अपना भाई हेलमेट यहाँ से उठाता है और इसको पहनता है और मुझे अभी याद आया, मुझे पता है तुम भी सेम चीज ही पूछने वाली हो, और वो चीज ये है कि इससे मुझे कहना है कि गिफ्ट किधर है मेरा, है ना? यही बात थी ना, गिफ्ट मैं तुम्हें जरूर दिलवाता अगर तुम मार्केट शार्केट खुली होती। फ्लावर्स की तरह यार, फ्लावर्स वाली भी शॉप नहीं ना खुली, ये तुम लोगों का कसूर है। तुम लोग होटल में घुस गए ना, सुकून से जाकर सो गए घंटा डेढ़, तुम लोगों को टाइम से निकलना चाहिए था ताकि हम लोग टाइम से कोल टाउन पहुंचते और सारी शॉप्स भी ताकि हमें खुली डुली मिल जाती। अभी वो पतोंग बीच खुला होगा ना, वहाँ चलते, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। चलो पहले कुछ खाते फिर वहाँ चलते। दरअसल हम लोग पतोंग में ठहरे हुए हैं और वहाँ से यहाँ कोल टाउन आते आते एक घंटे का टाइम लगता है भाई। भाई गिफ्ट तो नहीं दिलवा सका, चलो अपनी बीवी के लिए रास्ते में रुककर ये प्यारा सा मैं फूल खरीदने लगा हूँ। ये लो कमल, ये मेरी तरफ से तुम्हें प्यारा सा फूल। ओए मेरी बेटी को भी और मेरी बीवी को भी, ठीक है तुम दोनों ये रख लो। और मेरी जान अगर तो आपका रिश्ता हलाल है तो फिर हर प्यार वाला दिन मनाओ, और अगर आपका रिश्ता हराम है तो फिर भाई कोई दिन ना मनाओ। पहले रिश्ते को हलाल करो और बाद में मजे उड़ाओ। ये देखो आपके गुलाब ने ना 5 गुलाब तोड़ के फेंक दिए। तोड़ के भी फेंक दिए, इसको नहीं अब पकड़ाना तुमने। चले लेट्स गो। हाँ चलो चले। All my lessons, parece saber cuando volver a mí. All my blessings, eres la fruta.